प्रिवेंस, तो यहाँ पे आईटीआई का ग्रीवेंस का जो फॉर्म है वो फिर से यहाँ पे फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग पहले आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे 18-20 सेशन के और 19-21 सेशन के, जिनका रिजल्ट बहुत पहले आ गया था और उनका उनके लिए जो ग्रीवेंस है उस समय स्टार्ट किया गया था, और 21-20 जून जो था उसका लास्ट डेट रखा गया था। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि रिजल्ट में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था और उनका रिजल्ट जो इधर हाल ही में जारी किया गया है, तो उनके लिए यहाँ पे फिर से जो ग्रीवेंस जो वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेट जो रखा गया है 3 अगस्त 2021, ठीक है। तो आप लोग 3 अगस्त 2021 तक जो यहाँ पे ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कि फेल हो गए हैं या फिर जिनको लगता है कि उनको यहाँ पे कम नंबर मिल गया है, तो वो लोग यहाँ पे ग्रीवेंस कर सकते हैं। अब यदि आप ग्रीवेंस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है करीब 30 से 40 दिन जो इसको सॉल्व करने में लगेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि आप लोग यहाँ पे ग्रीवेंस रेज करते हैं तो 30 से 40 दिन, अभी जो फिलहाल आपका मार्कशीट दिख रहा होगा आपको, ये मार्कशीट आप लोग किसी भी वर्क के लिए यूज़ नहीं कर पाइएगा और ना ही आपका मार्कशीट जो वो जारी होगा, ठीक है। आपको जब तक कि ग्रीवेंस आपका सॉल्व नहीं हो जाता आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। यदि फिर भी आप लोग अच्छी तरह से एक बार कन्फर्म हो लीजिएगा कि आप लोग जो ग्रीवेंस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। यदि आप ग्रीवेंस करना चाहते हैं तो फिर ग्रीवेंस कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, और उस वीडियो का लिंक जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही साथ आपका कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, ठीक है। वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा कैसे ग्रीवेंस किया जाता है, वहां से आप लोग सिंपल जो है ग्रीवेंस कर लीजिएगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। तो एक बार आप अच्छी तरह से आप श्योर हो लीजिएगा कि आप ग्रीवेंस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस बीच में आपका जो एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगा। तो यदि आपको यहाँ पे ट्रेड थ्योरी हो या फिर आपका WCS जो कि आपका ऑनलाइन पेपर था, यदि उसमें आपको यहाँ पे बैक लग गया है तो उसमें कम ही चांस है कि आपका रिजल्ट जो वो अपडेट होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन था, आप लोग समझ सकते हैं ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में जो कॉपी चेक आपका जो चेक हुआ होगा वो किस प्रकार से हुआ होगा आप लोग समझ सकते हैं। फिर भी आप लोग एक बार श्योर हो लीजिएगा, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ग्रीवेंस जो यहाँ पे डाल सकते हैं, हो सकता है आपका रिजल्ट में सुधार हो जाए या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो वीडियो के नीचे जो हम यहाँ पे लिंक जो दे देंगे ग्रीवेंस कैसे किया जाता है उस वीडियो का, उसको देख लीजिएगा, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ग्रीवेंस कर दीजिएगा। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।